मोस्ट वेलकम। आज टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स के लिए इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, जितने लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर बॉटनी में कोई अच्छा एग्जाम भी हो रहा है तो इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, एनाटॉमी का पार्ट है। आज है क्यूसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्यूसेंट सेंटर है क्या? तो क्यूसेंट सेंटर जो है बेसिकली एक ऐसा सेंटर है जो रूट एपेक्स और सूट एपेक्स पे पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर रहती है। तो हम बात करते हैं कि इस रूट एपेक्स जो क्यूसेंट सेंटर, इसकी खोज जो की थी वो क्लाउस ने की थी 1956 में मेज प्लांट के अंतर्गत। तो क्यूसेंट सेंटर क्रिप्टोगैमस वैस्कुलर प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं और भी दूसरे प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, सूट एपेक्स पे मिलते हैं, लेकिन ये जो मिलता है बेसिकली वो फ्रिक्वेंटली रूट एपेक्स पे मिलता है, रूट के सबसे लोअर पोजीशन पर पाया जाता है। अब इसे क्यूसेंट सेंटर क्यों कहा जाता है? बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि क्यूसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों कहा जाता है इसको। तो रूट के जो हमारा टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, रूट कैप के बीच में पॉइंट होता है, एक रीजन होता है जहां पर जो सेल डिवीजन एक्टिविटी होती है, जो जाना जाता है, हमने देखा कि मैरिस्टेमेटिक सूल बताया गया कि जो रूट एपेक्स है और सूट एपेक्स है वहां लाइफ टाइम सेल डिवीजन होता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होता है रूट एपेक्स में जहां सेल डिवीजन पूरी तरीके से इनएक्टिव कह सकते हैं या स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि इस रीजन में जो डीएनए आरएनए और प्रोटीन की कंसंट्रेशन ऑफ सिंथेसिस है बहुत लो होती है और इसे इनएक्टिव सेंटर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो इनएक्टिव सेंटर है जिसे क्यूसेंट सेंटर या सांस सेंटर कहते हैं, ये बेसिकली इनिशियल एक्टिविटी या एक्टिव इनिशियल का एक रिजर्वायर है। तो जो करता क्या है बेसिकली, अगर आसपास इसमें डैमेजिंग हो जाए तो उसको कंट्रोल करता है, उस डैमेजिंग को रिपेयर करने का काम करता है। तो जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रिपेयर करेगा, बनाएगा और इस सेंटर को यहां पे रहता है, इनएक्टिव रहता है, ज्यादा सेल डिवीजन वगैरह नहीं होता, इसलिए सब इसको सेंट सेंटर सान सेंटर कहते हैं या इनएक्टिव सेंटर कहते हैं। तो बेसिकली जो इनएक्टिव सेंटर क्यूसेंट सेंटर है ये सूट एपेक्स की अपेक्षा रूट एपेक्स में अधिक पाया जाता है और क्रिप्टोगैमस प्लांट में भी, जो क्रिप्टोगैमस वैस्कुलर प्लांट है उनमें भी पाया जाता है। जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था इक्विसेटम प्लांट में किया गया था इनएक्टिव सेंटर को। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोमेरिस्टेम्स होता है, प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल से यहां पर पाई जाती है जिसमें इसका डेवलपमेंट होता है, जहां पर पाया जाता है, जैसा नाम से ही है। लेकिन हाँ, जब क्या होता है कि प्रोसेस शुरू होता है लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो इसमें इसी से सेल डिवीजन तेजी से भी स्टार्ट हो जाता है, तो इनिशियल पावर इसके पास सेफ रहती है। तो जो हमारा सेंटर है क्यूसेंट सेंटर है वो बेसिकली कैसे बनता है, कब बनता है, तो हम बात बताएंगे। द क्यूसेंट सेंटर अराइज ट्वाइस इन प्राइमरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट में दो प्रकार से, दो कंडीशन में मिलता है। सबसे पहले ये अराइज होता है एम्ब्रियोजेनिक कंडीशन में, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है उस समय इसका अराइज उत्पन्न होता है। दूसरा स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेशन की स्टेज स्टार्ट होती है उस समय इसका डेवलपमेंट होता है। अब क्यूसेंट सेंटर इज वेरिएबल इन वैल्यूम। तो जो क्यूसेंट सेंटर है वैल्यूम के अनुसार इसमें वेरिएशन पाया जाता है, इसमें अलग अलग क्वांटिटी होती है, मात्रा अलग अलग मिलती है। जैसे हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर हमारी रूट थिन है तो इसका जो क्वांटिटी, जो वॉल्यूम होगा बहुत स्मॉल होगा। अगर रूट लॉन्ग है तो डिस्ट्रक्टिव सेंटर होगा इसमें, रूट शॉर्ट है तो क्यूसेंट सेंटर नहीं होगा। अगर सीड लेस वैस्कुलर प्लांट है तो भी इसमें क्यूसेंट सेंटर नहीं पाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूसेंट सेंटर किन किन कंडीशन में मिलता है, किन कंडीशन में नहीं मिलता है। स्मॉल है तो बहुत कम होगा, अगर स्मॉल रूट है, थिन रूट है हमारी, लार्ज हो तो मिलेगा, शॉर्ट रूट में नहीं मिलेगा। और जो सीड लेस वैस्कुलर प्लांट है
उनमें भी क्वेश्चन सेंटर नहीं पाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पार्ट को ही हम क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। सबसे पहले रूट अपेक्स पर पाया जाता है, इसी को कहा जाता है रूट अपेक्स पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट। तो जो दिया गया था उसकी पोजीशन, उसके फंक्शन जो बताया थे इन्होंने, पूरे थ्योरी को ही कहा गया, बाद में कंबाइन कहा गया द क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी क्वेश्चन सेंटर की, वो फ्रेडरिक अल्बर्ट लोनियल क्लाउस ने की थी, और इन्होंने ही इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेंटर को दिया था। तो ये एनाटॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली नेट, नीट और एमएससी एंट्रेंस और बेसिक दूसरे जो बॉटनी जुड़े हुए एग्जाम्स होते हैं बॉटनी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनाटॉमी का, जो खूब पूछा जाता है इसमें से। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा, इसको देखिएगा और फिर बताइएगा।